इट्स योर बॉय बिग एफ बैक टू यूट्यूब वीडियो। तकरीबन 5-6 दिन हो गए हैं, वीडियो कोई नहीं डाली है। सर मैं दिल ही नहीं कर रहा, बार बार मोटिवेशन डाउन हो रही है। वो थोड़ा बहुत ज़रा बाइक का काम भी कराना था, इस वजह से थोड़ा बिजी है। तो अभी आज बाइक का थोड़ा काम शाम कराया, और बिफोर आफ्टर के लिए आपसे शेयर करूँगा ड्यूरिंग वर्कआउट, ड्यूरिंग जो है वर्कआउट कहते कहते उसकी जो है वो ठीक कराते हुए भी इस टाइम समझ नहीं आ रही क्या बोल रहे हैं, तो ठीक करते हुए भी उसको उसकी क्लिप शेयर करूँगा। तो अभी फ़िलहाल जो है वो प्री वर्कआउट पी रहे हैं, अब उसके बाद जिम जाएंगे, और जिम जाने के बाद क्या कहते हैं वीडियो एक यूट्यूब पे अपलोड करनी है। देन उसके बाद क्या कहते हैं एक डांस वीडियो भी बनानी है, क्योंकि अब साथ साथ सारा कुछ लेके चल रहा। तो पहले सिर्फ फिटनेस के, लेकिन फिटनेस जो है वो पाकिस्तान में वर्क नहीं करता है इतना, ये इस बात को समझ आ गई है, इस पर डिटेल रिसर्च कर लिया। इन पाकिस्तानियों को कुछ और ही देखना है, ये नहीं देखना। तो लेकिन साथ साथ लेके चलना पड़ेगा इसको भी, जहरी बात है छोड़ नहीं सकते है, एक लाइफ का हिस्सा है दिन में कि एक तो एक्टिविटी है तो वो भी ना करें। तो वो भी जिम जा रहे हैं, जिम चलते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है सीधे। तो गाइस अभी जिम आ गया हूँ, अभी सिर्फ सीढ़ियाँ चढ़ी हैं तो सांस चढ़ गया, अभी 10 मिनट बैठा हूँ, सांस स्टेबल किया है, देन वार्म अप करके एक्सरसाइज बिगिन करूँगा, और मोस्ट प्रोबेबली जो है वो बैक और बाइसेप की एक्सरसाइज होगी वो परफॉर्म करेंगे। उसके बाद बाइक पिकअप के लिए जाना है, वो पिकअप करके देन 2-3 क्लिप्स दिखाएंगे और देखेंगे क्या मॉडिफिकेशन हुई है बाइक। कभी कभी तो इतना गुस्सा चढ़ता है कि इतनी मेहनत करके बंदा अपनी स्टेबल होता है, बॉडी फिजिक ठीक करता है, लेकिन ये हसद करने वाले कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से बंदा डाउन। मैं थक गया हूँ, डाउन हो के मेरा दिल कर रहा है मैं सीरियल ले लूँ, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, मैं अब जाओ डाउन, अप डाउन अप डाउन, ये लाइफ है क्या है पता, खुदकुशी कर ले बैठ। ओके तो गाइस वर्कआउट जो है वो अभी कंप्लीट हो गया, और इसके बाद जाएंगे बाइक की कंडीशन देखेंगे, आज बैक और बाइसेप को अभी परफॉर्म किया, उसके बाद अभी एब्स की ट्रेनिंग, देन इसके बाद चेकआउट करेंगे बाइक की क्या मॉडिफिकेशन हुई है। और स्टेमिना फुल डाउन है, लेकिन अब इसको बैकअप करते हैं, कंपटीशन का सोचेंगे। डीमोटिवेट इतना है बंदा यार क्या करे, डीमोटिवेशन से ही बंदे का, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मोटिवेट होना पड़ना है, आपको होना पड़ना है, कुछ हो ना हो बॉडी तो। और मज़े की बात यह है कि सर्दियां आ गई हैं, लेकिन लड़की फिर भी नहीं। सो गाइस अच्छी न्यूज ये है कि मेरी स्टोरी जो है वो प्रोटीन कंपनी जो जिस कंपनी से मैं सप्लीमेंट्स मंगवाता हूँ, इंस्टाग्राम पे भी मैं पेज मेंशन करने लगा हूँ, उसने मेंशन किया है। उसके अलावा केज मसल के सीनियर डायरेक्टर ने वो स्टोरी मेंशन की, तो ये एक अच्छा बूम है कि अगर मैं इसी तरह की स्टोरीज बनाता रहूँ फनी टाइप सप्लीमेंट्स पे, वीडियोस पे, फिटनेस पे, तो हो सकता है कि वो वीडियो इसी तरह लगाते रहे और मुझे वहाँ से फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं से मिल जाएं। क्योंकि इन पाकिस्तानी ने तो ये बुलशिट देखनी नहीं है, इनको लड़की चाहिए, टिकटॉक चाहिए, किकरा कवल दैट्स इट बुलशिट, ये सारी इनको यही चाहिए है। तो ये तब तक मुमकिन नहीं है जब तक मैं बाहर ना जाऊँ, मैं बीच पर ना जाऊँ या मैं जिम में ना जाऊँ, तब तक इन लड़कों इन्होंने मेरी वीडियोज नहीं, मुझे इतना पता चल गया। तो बहरहाल ये है कि ये कौम जो है ना वो मोटिवेट, इनको सिर्फ स्टेटस लगाने हैं गाज़ा पे, वो भी सिर्फ दिखावे के लिए कि अच्छा हम सपोर्ट कर रहे हैं, कोई मुस्लिम मालिक उनको सपोर्ट नहीं कर रहा, सब बुलशिट है, सब बातें कर रहे हैं। इनकी इतनी इनके अंदर हिम्मत नहीं हुई कि अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ उठ के बात कर ले, तो उन्होंने उनके खिलाफ क्या बात करी, इनसे कुछ भी नहीं होना है। तो ये सिर्फ अच्छा मैं अगर कोई लेट्स से कुछ स्टोरी लगा लूँ ना फनी, तो मुझे कमेंट में आएगा कि यार तुम इस मौके पर भी तुम इस तरह की बात करें, इस मौके पर भी तुम इस तरह की फ़नी वीडियो बना, तुम्हें शर्म आनी चाहिए वो है। और भाई आप लोग कौन सा कोई रियल हो, या तो खुद रियल हो ना, तुम लोगों के अंदर इतनी नहीं है कि तुम लोग अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ बोल सको, तुम लोगों ने इसराइल के खिलाफ क्या बोलना है। तो ये बनावटी काम ना क्या करो, मेरे आगे अपने काम से काम रखो, मुझे मेरे काम से काम रखने दो, ठीक है ना। तो तुम लोगों ने अपनी माँ बहन के साथ वीडियो बनानी ना, वो बना के लगाओ और व्यूज़ कमाओ, ठीक है, लव यू ऑल। तो गाइस अभी चलते हैं बाइक के, देखते हैं फिर पिक करके, होप सो कि हो गया हो सेट, फिर उसको वापस लेके आते हैं, गाड़ी भी भाई को देंगे और खुद देंगे बाइक पे।
तो गाइस अभी मैं बाइक देख के आया हूँ, जो क्लिप्स आपको दिखाया है, जैसे कि अभी उसकी मॉडिफिकेशन हो रही है, उसको सेटमेंट हो रहा है सारा उसका ना, अभी उसको कलर वगैरह कर रहे हैं, तो अभी सुबह ही जो है वो मिलेगा, तो सुबह देखते हैं बाइक कैसा होता है। तक के लिए स्टे ट्यून्ड। कोशिश करता हूँ कि रेगुलर रिया करूँ, लेकिन नहीं रहा जाता यार, बीच में बंदा इतना डीमोटिवेट हो जाता है जब बंदे को नहीं हो, तो बीच में बूम आता है, फिर सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं कि फिर जीरो पे आ रहा था बंदा, तो बड़ा पाकिस्तान में यूट्यूबर जो बंदे का पुत्र है करना बहुत मुश्किल है जी। ये पहले जो घर बैठे ना अच्छे टाइम पे जी, मेरी उसको ये एडवाइस है कि जिस बंदे ने स्टार्ट करना है वो अपने इंटर लेवल पे या मैट्रिक लेवल पे या व्हाट्सएवर अपना ना बैचलर लेवल पे स्टार्ट कर दे, क्योंकि बैचलर के बाद जो आपकी बढ़ती है ना वो, क्योंकि बंदा बंदा आपको पूछता है क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बंदा कुछ करने की कोशिश भी कर रहा होता है लेकिन नहीं हो रहा होता, तो फिर वो ये लोग उल्टा आपको डीमोटिवेट करके तो बड़ा काम खराब होता है, उल्टा आप अपनी नज़रों में जो है ना वो गिर जाते हो, डाउन फील करते हो आप। फिर ये होता है कि हर रोज़ डीमोटिवेट, फिर रात को अपने आप को मोटिवेट करके नेक्स्ट दिन के लिए फिर बंदा मोटिवेट करता है वीडियो बना, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा होता है, वो फील नहीं हो रहा, तो जब तक आपको प्रोग्रेस ना मिले, कभी कभी प्रोग्रेस जो है वो आपको मोटिवेट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, लेकिन क्योंकि मुझे ज़्यादा मेन जब मैं डीमोटिवेट इस वजह से होता हूँ कि मैं जब प्रॉब्लम ये है कि हम लोग कहते हैं कि दूसरों का ना देखा करो, ये है वो है, लेकिन ये माइंड है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया आपके सामने ले ही आता चीज़, तो मैं जब देखता हूँ कि दूसरे लोग ये चीज़ बना रहे हैं और इतनी इजीली, मतलब विदाउट एनी, मतलब वो क्या कहते हैं कि कोई एफर्ट किए, उनको इतना ज़्यादा मिल रहा है, मुझे फिर वो ये अंदर से दुख होने लग पड़ता है कि यार मैं इसे बेटर कर सकता हूँ या मैं कर भी रहा हूँ कहीं ना कहीं, फिर तब भी ना रिजल्ट मिल रहा, तो फिर दुख होता है। इंस्टाग्राम कर लेता एल्गोरिथम है, यूट्यूब कर लेता है, टिकटॉक कर लेता है, कुछ समझ नहीं आ रही है, तो देखते हैं क्या बनता है, कोशिश कर रहे हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। शुभ बॉय, बिग एफ।